तो भाई अजमेर से मेरे साथ आया ये बंदा गद्दारी करवे गद्दारी करवे मुन्ने भाई उधर मोटा वाला मिर्ची लेकर खड़े खा रहे हैं। इधर ऑलरेडी फिनिश है, अभी दो रोटी और आ गई है, तो हम ये सारे के सारे खा रहे हैं। और यहाँ से आप दिल्ली जो है कर दिया है बाबा इनको, और काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया। सीरियसली यार बहुत याद आने वाली है, क्योंकि भाई जर्नी बहुत अच्छी करवाई इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं कहीं और आया हुआ हूँ। कर दिया है बाबा इनको, और काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया। सीरियसली यार बहुत याद आने वाली है, क्योंकि भाई जर्नी बहुत अच्छी करवाई इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं कहीं और आया हुआ हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इतना ख्याल रखा, इतना सही तरीके से ख्याल रखा ना, मतलब इतना बढ़िया। ये भाई यहाँ पर रॉन्ग साइड में आ रहे हैं ना, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत ना। चलो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा, बहुत सही मतलब मेरा ट्रिप गया ये, और लोग काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे। हसनैन भाई मिस यू यार, हसनैन भाई सीरियसली बहुत मिस किया तुमको, मजबूरी है जाना तो पड़ेगा, क्योंकि घर है वहाँ, अपना घर है, सब कुछ है। बाकी हाँ यादें बहुत सारी लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से, कैप्चर बहुत सारी चीज़ें करके जा रहा हूँ, क्योंकि यार इन लोगों ने काफ़ी ये तीन दिन ना कैसे बीता, इतना मस्ती में पता ही नहीं चला। अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रिप रहा ये मेरा, लॉन्ग ट्रिप, और मुन्नी भाई का फर्स्ट ट्रिप था, बहुत खुश हुए हैं वो, क्योंकि उनकी फटी तो है, लेकिन हाँ इन्जॉय भी काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, इसलिए काफ़ी सुकून से चल रहे हैं अभी हम। और एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हाँ 12-1 बजे तक हम दिल्ली में पहुँच जाएंगे, तो अभी निकले हैं 5:30 बज रहे हैं अभी, 5:30, हाँ तो हाँ आराम से निकल जाएंगे हम। या ख्वाजा गरीब नवाज़, सब कुछ सही करना, और जो मांगा है मैंने आपसे बस वो दुआ कबूल कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी। भाई बता दूं कि जयपुर हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, और काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं अभी वहाँ से, एटलीस्ट कम से कम ये तुम्हारा 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं वहाँ से, जहाँ से हम निकले थे ना, ठीक है, जहाँ से हम निकले थे वहाँ से 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है, जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं अभी, जयपुर पहुँचने वाले हैं। जयपुर से जो है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ 270 किलोमीटर है, तो 270 किलोमीटर से मतलब ज़्यादा ही है, पहुँच जाएंगे दिल्ली, पहुँच जाएंगे। भाई देख सकते हो प्रॉपर जो है अभी शाम है, और अब जो है इसके बाद थोड़ी देर बाद ही अंधेरा होने वाला है, तो ये खूबसूरती देखो, देख रहे हो, इसे कहते हैं असली खूबसूरती, सीरियसली बताऊं तो। और ट्रैवल में मज़ा क्यों नहीं आएगा यार, जब ऐसा मौसम रहे, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है कसम से जब मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, एक नंबर मज़ा आ रहा है, मुन्नी भाई भी इंजॉय कर रहे हैं, और इस यही तो बात है, लॉन्ग टूर पे जो मज़ा आता है ना वो सफ़र का ही आता है। और मंजिल तो इस बार मंजिल भी काफ़ी अच्छी थी मेरी, सीरियस बताऊँ तो, इतना ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पे, साइको सोनू और हमारा हसनैन, काफ़ी लोग ज्वाइन कर लिए थे वहाँ पे और काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे थे, तो इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि उन लोगों ने जो ट्रिप करवाई ना वहाँ की, आए हाय किसी ने आज तक अजमेर की ट्रिप ऐसी नहीं करी होगी, लिख के दे रहा हूँ मैं, जिस तरीके से उन्होंने करवाया, सारी चीज़ें घुमाया फिराया, हर चीज़ बताई वहाँ पे, दिखाया खाना वाना एवरीथिंग, जहाँ पे बेस्ट मिलता था वहाँ पे खाना बताया उन्होंने, वहीं पे मतलब कंटिन्यूसली हम 3 दिन वहीं खाना खाने गए, सुबह शाम दोपहर जब भी दिल किया खाने का वहीं गए, क्योंकि एक नंबर खाना था, मुझे चेंज करना ही नहीं था। और एक चीज़ जो है गोश्त मसाला, भाई तीनों टाइम कंटिन्यूसली मैं खा रहा था, सच बताओ तो गोश्त मसाला ना तीनों टाइम कंटिन्यूसली खा रहा था, जो क्या टेस्ट बना रहा था यार, एकदम ही अलग टेस्ट था, बिल्कुल ही एकदम मज़ा सा आ जा रहा था, जिस तरीके से वो बना रहा था ना उस तरीके से, भाई अभी तक मैंने गोश्त नहीं खाया था वैसा, और पहले इस ख़तरनाक जगह से निकलते हैं, तो जिस तरीके से वो बना के दे रहे थे ना, सीरियसली टच, बहुत दिल खुश हो गया था, बहुत बढ़िया तरीके से चाव से खा रहा था मैं। तो अभी ये है कि यहाँ से अभी जो है दिल्ली अभी 250 किलोमीटर दूर है, और ये मान लो कि हाँ हमने मतलब 100 किलोमीटर पार कर चुके हैं, 100-150 किलोमीटर पार कर चुके हैं, 150 से ज़्यादा ही पार कर चुके हैं, और मज़ा आ रहा है अभी तो। बाकी देखते हैं जैसे जैसे नज़दीक आते रहते हैं ना, वैसे वैसे फील होता है कि हाँ हम ट्रैवल में हैं, जैसे दूर रहते तो फील नहीं होता, लेकिन नज़दीक मंजिल के नज़दीक जब तक आते रहते हैं ना, तो फील होता है कि हाँ हम ट्रैवल में हैं।
ये कोई सेफ्टी नहीं है, बस ऐसी अट्रैक्शन के लिए है। पहुंच जाएंगे जल्दी। भाई पता क्या, अभी एक आइटम आया और एक मुन्ने भाई उधर मोटा वाला मिर्ची लेकर खड़े खा रहे हैं। इधर ऑलरेडी फिनिश है, अभी दो रोटी और आ गई है, हम ये सारे के सारे खा रहे हैं। और यहाँ से आप दिल्ली जो है 160 किलोमीटर है, यानी कि दिल्ली अप्रोक्स होगी हमारी 120 से 130। ठीक है, तो फटाफट फिनिश करते हैं, देन दिल्ली पहुँचते हैं। और मुन्नी भाई की हो गई हालत ख़राब, हाँ से ख़राब हो गई है। हाँ खाना वैसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाना, खाना बहुत बढ़िया है। मेंशन कर दूंगा जब भी आना इस दूर से, मतलब ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। खाना बढ़िया है लेकिन रोड बढ़िया नहीं है, ये हाईवे हाईवे तो बताना भाई बहुत बढ़ता है। हाँ भाई मुन्ने भाई की चिंता इस हाईवे की वजह से, लेकिन हर जगह जगह में ना गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए और भी ज़्यादा मन खराब हो गया कि गाड़ी की स्पीड से भगानी चाहिए और भगा नहीं पा रहा था। ठीक है, 100 के अंदर ही अंदर रखा, कोई नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो फिनिश करते हैं भाई खाना, उसके बाद फिर बात करते हैं। भाई अभी जस्ट खाना वाना खा के हम दोनों के दोनों जो हैं निकले हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 160 किलोमीटर है साकेत। ठीक है, दिल्ली का साकेत जो है 160 किलोमीटर है, तो ईज़िली जो है हम लोग अप्रॉक्स एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि 12 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस बार जो है जर्नी काफ़ी लंबी खींची है, हम रुके ज़्यादा नहीं है, और जितना जल्दी हो सके हमने कवर करने की कोशिश की है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि पता ही क्यों, अभी बीच में क्या हो गया था कि इसका लाइट जो है ना, फोकस लाइट जो हैजार्ड है वो ना लटक उटक गया था, थोड़ा ढीला हो गया था, इसलिए थोड़ा सा टेंस हो गया था। इस वजह से मैं शॉप वगैरह ढूंढ रहा था, देन फाइनली जो है दो शॉप मिले, तो एक तरफ का तो एक ने कर दिया था, दूसरी तरफ का नहीं कर पाया था एक बंदा, तो उसके पास भी गए, देन उसने दोबारा से किया, एक तरफ का दूसरे बंदे ने किया, देन वो करवा के देन उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, उसके बाद निकले हैं वहाँ से। खाना काफ़ी बढ़िया था, सीरियसली बताऊँ तो जिस ढाबे से खाया वो मेंशन कर दिया, देख लो ये इस ढाबे से हमने खाना खाया है। और यही है कि हाँ भाई, ये तुम्हें पड़ेगा जब अजमेर से तुम जयपुर से दिल्ली आओगे ना गुड़गांव की तरफ, तब ये होटल पड़ेगा भाई। काफ़ी बढ़िया था, खा के मज़ा आ गया। ठीक है, मैंने तो कढ़ाई पनीर खाया था, कढ़ाई पनीर और बटर नान, मज़ा आ गया। बटर रोटी खाया था, नान नहीं, नाटी नान काफ़ी ज़्यादा हैवी हो था इसलिए नहीं खाया, तो बटर रोटी खाया था, काफ़ी अच्छा था। तो चलो अभी चलते हैं, अभी पहुँच के फिर बात करता हूँ मैं तुमसे। भाई ये चौथी बार है जो मतलब पेट्रोल डलवाया मैंने अभी, और काफ़ी अच्छा एवरेज दिया है, सीरियसली बताऊँ तो। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल जाए और दिल्ली पहुँचने वाले हैं। 12:15 हो चुके हैं और गुड़गांव में इंटर करने वाला हूँ मैं अभी, तो बस दो मिनट दो, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो गुड़गांव फाइनली आ चुका हूँ, और यहाँ पे ये है कि मतलब बिल्कुल खाली खाली रोड है, तो पता नहीं हम मुझे अपने पता मैं किस तरफ हूँ, लेकिन जा रहा हूँ अभी आर्य मॉल गोलू के पास। इस वजह से जो है देखो इतना खाली रोड है भाई, इतना खाली रोड है कि पूछो ही मत, पता नहीं ये कहाँ जाने को कह रहा, कहाँ नहीं, आई डोंट नो, बस चल रहे हैं। तो भाई अजमेर से मेरे साथ आया ये बंदा, गद्दारी करवे मरहम लग रहा है। तो भाई फाइनली जो है हम लोग गुड़गांव में है, अभी आधे एक घंटे पहले से ही आ गए थे, 1 बजे ही हम लोग गुड़गांव आ गए थे, और काफ़ी सही रहा ये ट्रिप, सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब सारी चीज़ें सही हो गई प्रॉपर तरीके से। हम लोग अजमेर का ट्रिप पूरा करके आए हैं, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इन्जॉय किया, थैंक यू सो मच अगेन। ठीक है, साइको, शहनवाज, हसनैन, सोनू, एवरीवन जितने भी थे वहाँ पे, जितने भी आए थे, सीरियसली आई रियली लव इट एवरीवन, कि तुम सब ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा वहाँ पे, अकेला फील नहीं करने दिया।